हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, किस हस्ती की हुई थी इस घर से शुरुआत, किन लोगों ने थामा था उनका हाथ। आइए सुनते हैं सितारों की जुबानी उस घर की अनोखी कहानी, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। 25 किलोमीटर के रोज का सफर, जहां एक 8 साल की बच्ची हैदराबाद की सड़कें नापती, ऑटो रिक्शा में बैठी ये नन्ही सी लड़की अपनी मेहनत और लगन से बेखबर जूझती है रोजाना के जद्दोजहद से। शायद उसे भी नहीं पता है कि हैदराबाद ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया एक दिन उठकर उसके लिए तालियां बजाते नहीं थकेगी। वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए ऐसी सारी मुसीबतें कम पड़ जाती हैं जब विश्व मंच पर सायना नेहवाल भारत का झंडा सबसे ऊंचा फहराती है। मैं पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 से हाथ मिला रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और मैंने ये भी सुना है कि आपने कितनी मेहनत की है वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए, कितनी सड़कें नापी हैं, कितने खाने नहीं खाए हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आज आपको आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट हम कराएंगे। चलिए, आपसे मुझे एक सवाल पूछना था। आप अभी जब मैंने आपको रिसीव किया तो आप ऑटो से आई थी। हाँ। ये ऑटो रिक्शा का क्या फिक्सेशन है, समझा नहीं। जो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 ईयर्स हैं वो एक्चुअली पूरे ऑटो में ही बिताए हैं। जो भी मेरा ट्रैवलिंग था घर से स्टेडियम तक या घर से स्कूल तक, वो सब ऑटो में ही हुआ था। जो सुबह 4 बजे उठना पड़ता था टू कम टू स्टेडियम, क्योंकि मेरा घर राजेंद्र नगर में है जो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स है। थैंक यू। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ऑटो राइड आपके लिए लग्जरी था। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम पे ऑटो राइड हो या बस राइड हो, दोनों ही लग्जरी जैसे थे। क्योंकि हमारे पास एक स्कूटर था जो पापा मुझे स्कूल भी ड्रॉप करते थे 9 बजे और पापा जाते थे ऑफिस वहाँ से। हर सफर की अपनी एक कहानी होती है। आइए चलते हैं सायना का एक साधारण लड़की से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक के सफर की ओर। सायना जी, आप नेहवाल हरियाणा की रहने वाली हैं, तो हैदराबाद क्या कर रही हैं? पापा एग्रीकल्चर में काम करते थे, तो ही गॉट प्रमोटेड वन फाइन डे। अच्छा। एंड ही गॉट options of choosing 5 places. तो I don't know why, but he chose Hyderabad. कैसा था शुरू में आपके? नहीं, हम बहुत ही अजीब लगा। हम राजेंद्र नगर में रहते थे यहाँ पे आके। तो दिक्कत आ रही थी कि मैं क्या करूँ स्कूल के अलावा। तो वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, उनका बेटा खेलता था उधर लाल बहादुर स्टेडियम में, तो ही सेड आप साइना को क्यों नहीं बायोमीटर में डाल देते हैं। अच्छा, यही वो जगह है जहाँ आप रोज 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर अप एंड डाउन, मतलब 50 किलोमीटर लगा लो आप। कितना वक्त गुजर जाता था इस स्टेडियम में? मतलब जैसे स्टार्ट किया तो पहले 1 घंटे की ट्रेनिंग 6 to 7 कर लिया, धीरे धीरे 6 to 9 हो गया, लेकिन पापा यूज टू फील ओके शी इज गेटिंग इंटरेस्टेड, तो नो प्रॉब्लम। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक स्टेडियम में थी। मतलब घर से ज्यादा वक्त तो स्टेडियम में गुजरता था आपका। हाँ, तो एडमिंटन के तहत ये पहला घर आपका ये लाल बहादुर स्टेडियम ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें काम करते हैं, हम चलते हैं आपके पहले घर पहले। जी जी बिल्कुल, चलिए। तो ये है फेमस LB इंडोर स्टेडियम। जी सर। कितने सालों बाद आ रही हैं आप यहाँ पे? 2002 में लास्ट खेल रही थी यहाँ पे मैं। मतलब 13 साल हो गए? आप 13 साल से यहाँ कभी नहीं आई हैं? कभी नहीं आई। अरे वाह। बहुत ही इमोशनल कनेक्शन है लाल बहादुर स्टेडियम के साथ, क्योंकि यहीं पे स्टार्ट किया था। और वो भी एक लकी था जैसे मैंने स्टार्ट किया, 99 मई में समर कैंप था, तो पापा को ही गॉट टू नो जस्ट 1 मंथ बैक, तो ही रिक्वेस्टेड नानी प्रसाद सर कि साइना को हम समर कैंप में डालना चाहते हैं, बट ही सेड यू आर क्वाइट लेट फॉर दैट, आपको डेडलाइन मिस हो गई है आपकी। तो पापा ने बोला जस्ट सी हर प्ले, अगर आपको ठीक लगा तो देन यू जस्ट पुट हर इनटू द समर कैंप। आई स्टार्टेड प्लेइंग एंड माय फर्स्ट शॉट वाज अ स्मैश।
अभी भी याद है मुझे कि जब मैं समर कैंप में मैं ज्वाइन किया था तो मुझे सिर्फ हाफ कोर्ट मिलता था, उतनी जगह भी नहीं मिलती थी क्योंकि सब जैसे मैंने कहा सीनियर्स खेलते थे। सायना जी, एक बात है कि जो समर एक्टिविटी थी वो कब आपकी जिंदगी बन गई? एक्चुअली जब अगर देखे समर कैंप के बाद एक फाइनल मैचेस होते हैं जिसमें मैं हार गई थी। एक प्लेयर है जो नागपुर से, उसका नाम दीति है, मुझे अभी भी याद है क्योंकि उसकी वजह से मुझे करियर मिला। आई गॉट इन टू इट एक्सीडेंटल एंड शी वन, बट शी हैड टू गो बैक टू नागपुर क्योंकि सब पेरेंट्स वहीं पे हैं, स्टडीज वहीं पे हैं। नाउ एवरीवन इज प्राउड कि मुझे वो चांस मिला। दीति आल्सो मस्ट बी थैंकिंग। आई एम थैंकफुल टू हर। सायना जी, बचपन जो होता है बहुत उल्लास से भरा होता है, तो आपका बचपन सिर्फ बैडमिंटन में ही गुजरा या इसके अलावा मस्तियाँ थी? बचपन से आई डोंट नो हाउ बट आई वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट, मुझे कभी चीज मिली नहीं खेलने के लिए। मतलब स्कूल के भी दोस्तों के साथ कभी मस्ती नहीं हुई, कुछ कभी टंटा नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं वहाँ पे भी नहीं, गुड़िया से नहीं खेली कुछ? आई मिस इट, यू नो आई मिस इट, बट द स्पेशल पार्ट ऑफ दैट इज जो मुझे पोडियम पे खड़े हो के वो मेडल के साथ चांस मिल रहा है, आई थिंक नोबडी एल्स गेट्स इट, यू नो वेरी फ्यू पीपल गेट इट, इट्स लाइक समथिंग आई एम सर्विंग द कंट्री। ऑटो रिक्शा से मीलों का सफर तय करके सायना रोज शिद्दत से अपनी ट्रेनिंग के लिए एलबी स्टेडियम आती थी, जहां उन्होंने चैंपियन बनने का सफर शुरू किया। अब हम उस घर की ओर रुख करेंगे जहां उनके अपनों ने उनके इस सफर में उनका साथ दिया। क्या यादें हैं इस घर की? यहां पे टीवी होता था, तो आई यूज्ड टू हैव माय डिनर वाचिंग टीवी। जब बहन आ जाती थी कॉलेज से, कुछ गप्पे शप्पे मार लिया हम दोनों ने, थोड़ी लड़ाई होती थी हमारी। लेकिन अभी भी ये घर आपका ही है? मैं, मेरा घर नहीं है, पापा बॉट इट फ्रॉम हिज सैलरी, तो इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी एज वेल एज हिम। एक लेवल से इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर बनी यहाँ पे, यहाँ पे तो मुझे ये हमेशा ये याद रहेगा कि ये सब ट्रॉफीज आना यहीं से शुरू हुआ था। एंड सो दिस हाउस इज वेरी वेरी लकी फॉर मी, ऐसे ही मेरे ट्रॉफीज के लिए घर रहे तो इट विल बी वेरी नाइस। जिस तरह से ट्रॉफी जीत रहे हैं आप, ये घर छोटा पड़ जाएगा। आई होप छोटा पड़े, आई होप और छोटा पड़े। इस कमरे में बहुत वक्त गुजरा है टीवी देखते हुए, इस कमरे में हाँ, बट उस कमरे में ज्यादा चलना चाहिए उस तरफ कमरे। जरूर जरूर आइए। अरे बाप रे, सो नाइस। कौन है लवली पिक्चर? शी लव्स मी सो मच एक्चुअली। तो जब मैं छोटी थी मम्मी बोलती थी कि इसको थोड़ा देर आया के पास छोड़ देंगे या कुछ ऐसा, तो शी सुड नो ये मेरी बहन है, मैं आई विल टेक केयर ऑफ हर, लेकिन आप इसको किसी भी आया हुआ कोई भी नहीं छुएगा। तस्वीर के बारे में बताइए। माय गॉड, वेरी इमोशनल मोमेंट, फर्स्ट टाइम फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप दिस ईयर। आफ्टर रीचिंग फाइनल्स आई वांटेड टू विन इट, इट टुक मी सो मच ऑफ स्ट्रगल टू गेट हियर। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स क्वार्टर फाइनल्स, सो टू गेट आउट ऑफ दैट यू नो लूप ऑफ क्वार्टर फाइनल स्टेजेस, सो इट वाज यू नो सच अ मेंटल प्रेशर ऑफ माय हेड। सो नाउ ऑब्वियसली दिस विल गिव मी मोर कॉन्फिडेंस टू डू वेल यू नो नेक्स्ट ईयर, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम बेटर। ऑफ कोर्स। तस्वीरों से रिश्ती यादों ने सायना के बीते वक्त के कई सारे लम्हे फिर से जिंदा कर दिए, हर किस्सा हर दर्द का लेखा जोखा दे दिया। सायना की हर छोटी बड़ी खुशी और जीत में साथ रही उनकी माँ, जो हर वक्त सायना को उसकी काबिलियत के आईने दिखाती रहती थी। आज जब ये इतनी बड़ी बैडमिंटन स्टार बन गई हैं, कैसा लगता है अब ये जब? मैं ऐसा नहीं सोचती कि ऊंचाई पर पहुंची है, ये सोचती हूँ हार्डवर्क करना है और पाना है। जब मैं अंडर 10 थी तो उस टाइम पे सेमीफाइनल्स खेल रही थी मैं थाने में, जो टूर्नामेंट था, मैं हार के आई, जस्ट एक पॉइंट से हारी होंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, हार के आई, उठ के ऑलमोस्ट कोर्ट पे आई जहाँ से मैं निकल रही थी, सबके सामने मुझे थप्पड़ लगा दिया सबके सामने। तो मैं ऐसे ऐसे थोड़ा हार्ड था, तो वो उस टाइम पे मैं रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि
रोई इसलिए कि ये नहीं कि थप्पड़ मारा, रोई इसलिए कि सबके सामने मारा, जो सब लोग मेरे पे हंस रहे थे तो मैंने कहा एक दिन देखो तुम सबके सामने ही ना मैं वो बस उस टाइम आई कांट से दैट बट आई जस्ट केप्ट इट इन मी और बस हार्डवर्क करती रही। जिस हाथ से थप्पड़ खाए उन्हीं हाथों ने मरहम भी लगाए। सायना को बहुत नाजों से रखा है उनकी माँ और उनकी बड़ी बहन। बचपन में आपको याद है कौन सा खेल खेलती थी आप उनके साथ? मैं नहीं खेलती थी, ये बचपन में ना क्रिकेट बहुत खेलती थी। क्रिकेट खेलती थी, बाहर खेलती थी। मैं विंडो पे आ जा बोलती तू पढ़ ले मैं आती हूँ मेरे को खेलने दे, लगी रहती थी। लड़कों जैसे शौक रहे इसके। कभी बेतुकी लड़ाई तो कभी बेपनाह प्यार, इन बहनों का रिश्ता अनोखा है। सायना की हर मर्जी को सर आंखों पर रखा गया। अब आइए चलते हैं सायना के उस स्कूल की तरफ जहाँ पे उनकी प्रतिभा परवान चढ़ी। भारतीय विद्या भवन आप कितने साल बाद आ रही हैं आज? Almost after 9-10 years. तो यहाँ किस क्लास से किस क्लास तक थी आप यहाँ पे? मैं 4th से 10th तक थी यहाँ पे। 4th से 6 साल थी यहाँ पे। और जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल में आपके नाम से विंग है, ये तो क्या This मतलब? was very very surprising and very very special feeling for me. जब मैं यहाँ पे आके देखती हूँ I feel so happy और मैं actually सोचती हूँ कि मैं साइना नेहवाल वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हूँ। जिस स्कूल ने सायना को जीवन का पाठ पढ़ाया आज उसी स्कूल में सायना खुद एक उदाहरण के रूप में बयान होती है। हजारों बच्चों को सिर्फ उनके नाम से प्रेरणा मिलती है। इतनी बड़ी उपलब्धि इतनी कम उम्र में हासिल कर पाना आसान नहीं है। When I was 18 मैं यहाँ पे 18 टू 24 मैं यहाँ पे थी। गोपी से रिटायर हुए जब उन्होंने अपना टूर्नामेंट जीता ऑल इंग्लैंड, तो उनके बाद लकीली हम सबको एक ऐसा कोच मिला जो उस लेवल पे खेला हुआ है। मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इतना ऊपर जो जहाँ से मैं बनी वो गोपीचंद एकेडमी ही है। सायना की मेहनत और लगन के अलावा अगर किसी के उनके चैंपियन बनने में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो हैं उनके पिताजी यानी कि सायना के पापा। एक विश्व चैंपियन बनने के लिए क्या त्याग करना पड़ता है? एज ए वैज्ञानिक मैं यहाँ ग्रेजुएट पोजिशन में यहाँ जो बैठा हुआ था इतने रिसोर्स नहीं थे जी, तो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज ये एनफ नहीं था। बच्चों को लोग घर में भी तो पढ़ाते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बुक्स खरीद कर लाते हैं, तो मेरे को जो खर्चा उधर करना था मैं इधर स्पोर्ट्स की तरफ करूँगा और उसके लिए मैं मदद मांगूँगा, मेरे साथियों से मदद मांगूँगा। और मेरे साथियों ने मेरी बहुत हेल्प की। एक रैकेट की कीमत उस दौरान में 8,000 रुपीज़ थी और 8,000 रुपीज़ को जमा करना मुहैया कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य हो गया। बड़ी बात है। ये हमारे देश की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं, सिर्फ महिला ही नहीं पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड नंबर 1 है। ये देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अब आप को क्या लगता है कि क्या मतलब अगला पड़ाव क्या है? ये इनकी भी इच्छा है मेरे भी है कि कोई मेरे जैसी साइना भारतवर्ष को और मिले। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में किसी एक खास मंजिल पे पहुंचने की चाह हो तो उसे इतनी बुरी तरह चाहो कि मंजिल के पास और कोई चारा ना बचे, वो खुद ब खुद चलकर आपके पास पहुंच जाए। लड़की आगे नहीं बढ़ सकती है एंड टुडे आई हैव प्रूव दैट कि आज जहाँ पे मैं हूँ कोई लड़का भी मेरे पास में नहीं है। ऑलवेज बी विद मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। और इस होनहार वर्ल्ड चैंपियन की तो मंजिलें कई और भी हैं, मंसूबे सपने अरमान कई और भी। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है, मैं विनय पाठक आज यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। इस वादे के साथ हम फिर से हाजिर होंगे एक नई हस्ती, एक नई कहानी और एक बिल्कुल नया घर। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।